बाई टेन, मोल आ जाएगा वन बाई, इधर वन हो गया ना बेटा, वन बाई, कह रहा वन बाई टेन कैसे है बेटा, इधर वन हो गया, ये वन मोल, अरे यार मोल इंटू टेन, तो मोल बराबर वन अपॉन टेन आ गया बे, तो ये कितना हो गया 0.1 मोल। बस मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल कितना आ चुका है 0.1, रख दो 0.1, वॉल्यूम भी कितना है 0.1, देखो ना कैसे भैया, वॉल्यूम है 100 ml में ना, तो 1000 डिवाइड करोगे तो 0.1 लीटर, और लीटर में ही रखना होता है, तो 0.1 लीटर, 0.1 से 0.1 खत्म, आंसर आ गया 1 m, नोट कर लो। तीसरे टाइप का क्वेश्चन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब मोल कॉन्सेप्ट से रिलेट करके मोलेरिटी पूछ सकता है, तो निकाल लेंगे यार तीसरे टाइप का क्वेश्चन। अब चौथे टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो पहले। क्या ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन 100% समझ में आया? किसी को दिक्कत हो धीमे से इशारा कर दो। ठीक है, नोट कर लिया भैया, मेरे चक्कर में जवाब देना क्यों बंद कर दिए, तुम्हें मौज ले लेते हैं इसलिए। अरे यार, नोट कर लिया, हटाए इसको भैया, बोलो यार। तीनों टाइप के क्वेश्चन क्लियर हैं, एकदम क्लियर हैं, तो एक क्वेश्चन इसके टाइप का अपने आप करके दिखाओ, फिर हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, फटाफट लिखो, बोले छीन, ठीक छः, तो दस, इनकी वैल्यू तीन रखोगे, छः छः त्रिक 18 है ना, हाँ हाँ लिखिएगा। H2O contain H2O, पानी, H2O contain 1.8 into 10 to the power 22, 1.8 into 10 to the power 22 number of atom, number of atom. If volume of solution is 100 ml find the molarity of solution. एक बार फिर से सुकून से, मतलब फर्स्ट आने की कोशिश मत करो यार, फर्स्ट वहां आना, नीट में, यहां से कोई लेना देना नहीं है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 ml, ठीक, लगाओ सही गलत लगाओ, पेन चलना चाहिए, पेन सबका चलना चाहिए, गलत लगाओ सही लगाओ कोई दिक्कत नहीं, लगाओ आ गया 0.3 पक्का, चलो निकाल लेते हैं, मैच कराना आंसर अपना। नंबर ऑफ एटम बराबर n इंटू मोल इंटू एन नॉट, अरे कुछ भी आएगा बे, देखो अभी देख रहे हैं, नंबर ऑफ एटम बोलो कितना दिया 1.8 10 टू द पावर 22, 1.8 इंटू 10 टू द पावर 22, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भैया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ये दिया हुआ है। अब देखो H2O की बात कर रहा है, बताओ दिया क्या है, एटम दिया है या मॉलिक्यूल दिया है, एटम दिया है, बताओ एटम तुम्हें कितने दिखाई दे रहे, तीन,
एन की वैल्यू क्या रखोगे? तीन। एक रख के सॉल्व कर लिया क्या? एन की वैल्यू क्या रखोगे? तीन, क्योंकि एटम की बात कर रहा है। एटम दो और एक तीन, एन की वैल्यू तीन। एन की वैल्यू में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? भैया एन की वैल्यू बोल क्या रहा है क्वेश्चन में? नंबर ऑफ एटम, एटम है कितने? तीन। तो एन की वैल्यू तीन रखी। अब मोल निकाल लेते हैं। मोल गुणे 6 × 10⁻²। 23 लिखा है बे, देखो ना 10 का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है आसान रहे। 22 से 22 खत्म, बोलो 6 त्रिक 18। वेरी गुड, तो 6 त्रिक हुआ 18, तो 18 से 18 खत्म, मतलब ये कितना आ गया? 0.1। कितना आ गया? 0.1। अब 0.1 आ गया तो हमें निकालना है मोल, तो मोल निकाल ले रहे। देखो भैया मोल कितना आ गया? 0.1/10, 0.1/10, तो 0.1/10 बोले तो 0.01 इतना मोल आ गया। अब खत्म हो गया क्वेश्चन, मोलैलिटी निकाल लो। तो मोलैलिटी बराबर मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी दी है, सॉरी मोल दिया है 0.01। बताओ वॉल्यूम लीटर में दिया है या एमएल में? क्या लीटर में बदलेंगे? हाँ। 1000 डिवाइड करेंगे? हाँ। कितना आएगा? 0.1। कितना आएगा? 0.1। तो वॉल्यूम आ गया 0.1। अब जिनको गणित नहीं आती है तो दशमलव के बाद जितने अंक हुआ करें, यहां पे दशमलव के बाद एक अंक है, यहां दशमलव के बाद दो अंक हैं, तो जीरो बढ़ा लिया करो तो अंक बराबर हो जाते हैं। ऐसे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, दशमलव के बाद जितने जीरो चाहो उतने बढ़ा सकते हो। तो इधर भी दो अंक, इधर भी दो अंक, अब दशमलव कट जाएगा। अब आ गया 1/10। 1/10 का मतलब क्या आ गया? 0.1। बोले हाँ अब आ गया, यही तो फंस रहा था। कितना आ गया? 0.1। नोट कर लो भैया, बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का एक निकाल के दिखाओगे? एकदम सही। इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और लिखो फटाक से। नोट कर लो इसको। बोले भैया फाइंड द मोलैरिटी ऑफ, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ काट दो, फाइंड द फॉर्मेलिटी ऑफ, लिखो तो क्या, लिख तो लो पहले। फाइंड द फॉर्मेलिटी ऑफ, हाँ और क्या, अभी तक भांग खा के बैठे थे क्या बे, मोलैरिटी काट दो। फाइंड द फॉर्मेलिटी ऑफ NaCl, फाइंड द फॉर्मेलिटी ऑफ NaCl इफ इट इज कंटेन if it is contain 12 × 10⁻²⁴ number of ions, 12 × 10⁻²⁴ number of ions, volume of solution, volume of solution is 1 liter. क्या बात है, तेज हो गया बे। मोलैरिटी का ही, सुन लेना एक मिनट, सुनो प्लीज एक मिनट, मोलैरिटी का ही दूसरा नाम फॉर्मेलिटी नहीं होता है। सुन लो पूरी बात, मोलैरिटी का ही दूसरा नाम फॉर्मेलिटी नहीं होता है।
मोलैलिटी का नाम फॉर्मेलिटी तब हो जाता है जब कंपाउंड आयन बनाता है, जब कंपाउंड आयनिक होता है। अगर आयनिक कंपाउंड है तो मोलैरिटी की जगह फॉर्मेलिटी लिख सकते हो, हमेशा नहीं लिख सकते हो। NaCl आयन बनाएगा, हाँ, Na प्लस और Cl माइनस, और अगर आयन बनाएगा तो आयनिक है, और अगर आयनिक है तो मोलैरिटी की जगह फॉर्मेलिटी भी बोल सकते हो। फॉर्मूला सेम, कहानी सेम, सब कुछ सेम। तो क्या 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 समझ में आया कि मोलैरिटी का ही नाम फॉर्मेलिटी तब होता है जब कंपाउंड कैसा हो, आयनिक, हमेशा नहीं। मोलैरिटी का ही नाम फॉर्मेलिटी तब होता है जब कंपाउंड कैसा हो, आयनिक। आयनिक होने का मतलब है उसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, आयंस प्रेजेंट हो। बात समझ में आ गई, लगातार फर्क से निकालनी मोलैरिटी है, नाम उसका फॉर्मेलिटी हो गया, निकालनी मोलैरिटी ही है। अब निकाल लो भैया, हाँ मोलैरिटी निकालनी है, फॉर्मूला सेम, सब कुछ सेम, आयनिक कंपाउंड है तो मोलैरिटी को ही फॉर्मेलिटी हम लोग बोल देते हैं। ये भी लिखवा रहे हैं, परेशान मत हो, आगे बेटा। कितना आ रहा है, 10 10 10, वेरी गुड। चलो देख लेते हैं भैया, नंबर ऑफ आयंस, ये नंबर ऑफ आयंस पहले लेक्चर से कनेक्ट है, जिनका पहला लेक्चर में से उनको ये दिक्कत करेगा, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है, कि आधा पहले लेक्चर से आधा आज वाले लेक्चर से। नंबर ऑफ आयंस बराबर, फॉर्मूला क्या बताया था, n इंटू मोल इंटू n नॉट, ठीक है भैया। नंबर ऑफ आयन दिए हैं क्या, हाँ दिए हैं, 12 गुणे 10 की घात 24, n की वैल्यू क्या, 2। आयंस की बात कर रहा है ना, n क्या है, जो क्वेश्चन में बोले हमें दिखे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आयन, और हमें आयन कितने दिख रहे हैं, 2, एक सोडियम और एक क्लोराइड, तो n की वैल्यू 2। मोल तो पता करना पड़ेगा, n नॉट तो 6 × 10⁻², तो बोलो 6 दुनी तो 12 से 12 खत्म, और ये 23 से 23 खत्म, यहां बचा कितना, 10, तो मोल आ गया साहब 10। अबे खत्म, मोलैरिटी बराबर मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मोल कितना आया, 10। क्या वॉल्यूम सीधे लीटर में दिया है, तो बदलने की कोई जरूरत नहीं है, वॉल्यूम दिया है 1, तो 10 को 1 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 10, तो आ गया 10 मोलर। बोलो क्या 100% समझ में आया, पक्का तीनों टाइप के क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। 10 मोलर का, जयसवाल बताओ 10 मोलर का मतलब, वेरी गुड, 10 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दिमाग में है ना भैया, अभी आगे काम पड़ेगा इसका खतरनाक, नोट कर लो फटाक से, इसका गलत हो। नोट कर लिया बेटा, हटा सकते हैं इसको, अच्छा सही से बताओ, पहला मोल कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ पार्टिकल वाले क्वेश्चन, दूसरा लिमिटिंग रीजेंट वाले क्वेश्चन, तीसरा कंसंट्रेशन पे चल रहे हैं हम लोग, क्या कोई भी न्यूमेरिकल आपको टफ लगा, आराम से निकल रहा है ना। इसका मतलब कि जो लोग बोलते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट बहुत कठिन होता है, वो है क्या, बकलोल। क्या है, निहायत ही आसान होता है, एकदम आराम से निकलता है। अभी तुम्हें 8-8 लाइन के क्वेश्चन भी कराएंगे जो तुरंत निकलेंगे, बस बेसिक चीज तुम्हें अगर पता होती है, कोई चीज कठिन नहीं होती है, अगर उसकी एक एक बात पता है तो डायरेक्ट वहां पहुंच जाओगे, तो कहां समझ में आएगा। बेसिक पता नहीं है, क्वेश्चन यहां वाला करने लगे, अब घंटा निकलेगा क्वेश्चन, कहां से निकल आएगा, टफ तो अपने आप लगेगा। जब तक बेसिक चीजें क्लियर नहीं होंगी आपको, तब तक
क्वेश्चन चाहे दो लाइन का हो चाहे दस लाइन का हो नहीं निकाल पाओगे। बेसिक क्लियर होना 100% बहुत जरूरी है। और ये जो भी आपको बार बार बुलवा रहे हैं ना कि 10 मोलर का मतलब, 2 मोलर का मतलब, ये जब हम मोलैलिटी पढ़ा रहे होंगे तब तुम्हें समझ में आएगा अरे कितनी खतरनाक बात थी। ऐसा इंटरकनेक्शन है इस बात का कि जब दिमाग में ये बात बैठ जाएगी तो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से निकलने लगेगा। फिर हम आपको इसकी ट्रिक दिखाएंगे। एक्चुअल में क्या होता है ना कि फिजिकल केमिस्ट्री में मोलैलिटी और मोलैलिटी के बीच की ट्रिक डेंसिटी के रिस्पेक्ट में, फिर मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन की ट्रिक डेंसिटी के रिस्पेक्ट में, मतलब कम से कम 20 ट्रिक बताई जाती हैं, हम बताएंगे। और लेकिन ये भी बोलेंगे कि एक भी ट्रिक अप्लाई मत करना है, निहायती बकलोल लोग होते हैं, निहायती टोपे लोग होते हैं जो ट्रिक अप्लाई करते हैं। रीजन सुनना, रीजन सौ टाइप के क्वेश्चन एक ही टाइप का मेथड, एक ही टाइप से 100 क्वेश्चन निकाल के दिखाएंगे। बेहतर क्या है बे, एक ही टाइप का मेथड। ट्रिक अगर बताई तुम्हें, मेरा वादा है तुम सेलेक्ट हो ही नहीं सकते हो किसी भी हालत में। अबे एक उसका रीजन क्या है कि इस साल कम से कम 35-40 बच्चे ऐसे हैं लास्ट ईयर पढ़े हुए, इस बैच में बैठे हुए कम से कम 10 बच्चे जिनके 40 के ऊपर क्वेश्चन सही करके आए हैं केमिस्ट्री में। उसका रीजन सिर्फ यही है कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमने ट्रिक बताई लेकिन बोला अप्लाई मत करना, अप्लाई प्रोसेस करना, प्रोसेस उनको पता है, क्वेश्चन पता है कैसे लगेगा। भाई यहाँ पे आदमी 4-3 साल तैयारी करता तब 35 क्वेश्चन वो सही कर पाता है। पहले साल में बच्चों ने 40 क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन सही करके आए हैं एग्जैक्टली 45 में। तो उसका रीजन यही है। पहला रीजन ज्यादा बार रिवीजन होना, दूसरा रीजन बेसिक बातें पता होना, तीसरा रीजन बार बार ये बोलना कि ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे। हम बताएंगे तुम्हें ट्रिक, बताएंगे इसलिए कि तुम बाद में बाहर जाके ना लो आते नहीं है, वहां बताएगी आती नहीं है, बताएंगे परेशान, बताएंगे इसलिए कि तुम्हारे मन में वहम ना रहे कि आती नहीं है, बताएंगे सिर्फ इसलिए। लेकिन ट्रिक कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे, प्रोसेस से करेंगे। पता है तुम्हारे दिमाग को भ्रमित किया जाता है। तुम्हारे दिमाग को भ्रमित कैसे किया जाता है कि देखो ये मेथड है, ये एक पन्ने में आएगा, ये ट्रिक, ये देखो 2 लाइन में। अबे तुम ये समझो तुम्हें कितना खतरनाक भ्रमित किया गया। 100 टाइप के क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर ली गई, गणित सॉल्व कर ली गई। ट्रिक दुनिया में कुछ होती नहीं, होती सिर्फ गणित है। तो गणित सॉल्व कर ली गई पूरे पन्ने की, आखिरी लाइन में जो आया वो उठा के बता दिया, उठा के बोला ये बेटा ट्रिक है। अबे ट्रिक नहीं है, वो पूरी गणित सॉल्व करके आखिरी में एक लाइन उठा के ऊपर रख दे, बोला ये ट्रिक है। अबे 100 टाइप के क्वेश्चन, 100 टाइप की अलग अलग ट्रिक्स लगाओगे, जिंदगी में फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन निकाल ही नहीं पाओगे, मेथड लगाओगे। और मेरा वादा है बे, मेथड से ही क्वेश्चन निकाल के दिखाएंगे। और टाइम मैक्सिमम 1 मिनट 10 सेकेंड, 1 मिनट 20 सेकेंड, इससे ऊपर टाइम नहीं लगेगा। अब तुम बोलोगे कि टाइम तो खाली 50 सेकेंड देना है, नहीं, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन में 10 सेकंड देना है। हम ये भी तो बोलते हैं इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है 10 सेकंड देना है, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है 30 से 35 सेकंड देना है। यहां से जो टाइम बचाओगे वो एक्स्ट्रा टाइम लगाना है कहां, फिजिकल केमिस्ट्री में। 1 मिनट 20 सेकंड से ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा। और अगर कोई क्वेश्चन 4-5 मिनट में निकलता है, जैसे इस साल एक क्वेश्चन आया था, बहुत लेंथी कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन माइन्यूट सी फर्क था, तो वो क्वेश्चन करने वाला नहीं होता है। जो समझदार होता है उसको पता होता है ये क्वेश्चन करने वाला नहीं, ये क्वेश्चन छोड़ने वाला, वो 6 मिनट खा रहा है। 45 में 44 आ रहे हैं ना, बस खत्म करो यार, 44 आ रहे हैं बहुत है तुम्हारे, 44 आ रहे हैं मतलब बिंदास है। 45 में 45 लाने के चक्कर में 5 मिनट वाला एक क्वेश्चन छोड़ के आना है। फिजिकल केमिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है सारे क्वेश्चन यहां सॉल्व करके दिखाएंगे। टाइम मैक्सिमम 1 मिनट 20 सेकंड लगेगा। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं करने होते हैं, जो जिनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथी होती है, उनकी कोई ट्रिक भी नहीं होती है, वो इसीलिए आते हैं कि आपका टाइम वो क्वेश्चन खाएं और आपको सिलेक्शन से रोकें। तो ये आपको पहचानना होता है कि हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में कौन से क्वेश्चन में लगे नहीं रहना है पागलों, पता तो लगे 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट। अबे यार सिलेक्शन तुम्हें खुद लेना है, खुद सोचो 1 मिनट 20 सेकंड से ऊपर कोई क्वेश्चन केमिस्ट्री में ले रहा है फिजिकल का, फिजिकल छोड़ो आगे बढ़ो, और ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं, परेशान मत हो। तो ट्रिक नहीं लगानी है, मेथड ही लगाना है। हम दिखाएंगे दोनों, तुम्हें दोनों दिखाएंगे तो तुम्हें अपने आप दिखने लगेगा कि नहीं यार प्रोसेस ज्यादा बेहतर है ट्रिक। तो ये याद करो, फिर ये याद करो, फिर ये याद करो, ये याद करो, और कहां पे क्या अप्लाई करना है पता ही नहीं साला कहां पे क्या अप्लाई करना है। तो मेथड से करेंगे तुम्हें अपने आप दिखने लगेगा। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, क्या नंबर ऑफ पार्टिकल वाले क्वेश्चन कर लोगे, अब नंबर ऑफ पार्टिकल से मोलैलिटी निकाल लोगे, अब
ठीक है, अब चौथे टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चौथे टाइप का क्वेश्चन मोलरिटी का लिखिएगा। अच्छा लिखवाए नहीं ना अभी, भैया एक पॉइंट लिखवा लो, लिखो फटाक से नोट लगा के। इसी के क्वेश्चन के नीचे ये क्वेश्चन हमने करवा दिया कि नहीं करवा दिया, करवा दिया ना। हाँ, इसके नीचे नोट लगा के लिखो, मोलरिटी को ही फॉर्मेलिटी तब कहा जाता है, मोलरिटी को ही फॉर्मेलिटी तब कहा जाता है मोलरिटी को ही फॉर्मेलिटी तब कहा जाता है जब आयनिक कंपाउंड होता है, जब आयनिक कंपाउंड होता है। नोट कर लिया भैया, चलो। अच्छा, अगर हमने बोला आपसे CH4 की फॉर्मेलिटी निकालो, तो ये सही बात या गलत बात? गलत, क्योंकि ये कंपाउंड आयनिक। मोलरिटी को फॉर्मेलिटी तभी बोलेंगे जब कंपाउंड कैसा होगा? आयनिक। बात पल्ले पड़ गई ना भैया? ठीक बात। क्वेश्चन लिखिएगा। बोले फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ सिक्स परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, फाइंड द मोलरिटी ऑफ 6% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। जो रिपीटर बच्चे हैं प्लीज आंसर ना बोलें। 6% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। भैया यूरिया का फॉर्मूला पहले लिख लो, NH2CONH2। मॉलिकुलर मास जोड़ लेना, 60 आएगा। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ये वाला हम बताएंगे, अगला आप निकालोगे। बस नोट कर लो। नोट कर लिया भैया? सुनना जरा ध्यान से। एक्स परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, सुनना ध्यान से, कहीं पे लिखा है एक्स परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, तो जो ये एक्स होता है ये हमेशा वेट होता है। सुनना ध्यान से, ये जो एक्स होता है ये हमेशा वेट होता है, और ये जो परसेंटेज होता है ये हमेशा वॉल्यूम होता है। परसेंटेज का मतलब क्या? 100। क्या बात है, तो सुनना जरा ध्यान से इस बात का मतलब। वेट कितना हो गया? एक्स ग्राम। वेट कितना हो गया? एक्स ग्राम। परसेंटेज का मतलब 100। क्या? 100। वॉल्यूम हो गया 100 ml। क्या हो गया? 100 ml। तो सुनना, एक्स परसेंट वेट बाई वॉल्यूम का मतलब एक्स ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है 100 ml सॉल्यूशन में। 6% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब 6 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है 100 ml सॉल्यूशन में। 18% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब 18 ग्राम डिसॉल्व है 100 ml में। 5% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब 5 ग्राम डिसॉल्व है 100 ml में। 20% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब 20 ग्राम डिसॉल्व है 100 ml में। तो बताओ 25% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब कितना ग्राम? 25 ग्राम। कितने में? 100 ml में डिसॉल्व है। क्या बात पल्ले पड़ रही है? अब नोट करो, एक्स पर नीचे 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 नोट लगा के लिखो। इसी अभी क्वेश्चन सॉल्व ना करना, पहले क्वेश्चन नीचे नोट लगा के लिखो। एक्स परसेंट ऐसे लिखो, लिखा हुआ है एक्स परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, और पहले तो ये एरो दिखा लो जिससे डायरेक्ट दिमाग में रहे, फिर हम लिखवा रहे हैं। एक्स परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, ये एरो दिखाओ, डब्ल्यू एक्स की ओर दिखाओ, वॉल्यूम परसेंटेज की ओर दिखाओ। x परसेंट वेट बाई वॉल्यूम का मतलब x ग्राम सॉल्यूट x परसेंट वेट बाई वॉल्यूम का मतलब x ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है, x ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है
100 ml सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है 100 ml सॉल्यूशन में। लिखा भैया, अब लिखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखो। तो 6% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब, तो 6% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब बोलो कितना ग्राम बे? 6 ग्राम। तो 6% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब 6 ग्राम सॉल्यूट 6% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब 6 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है 100 ml सॉल्यूशन में, डिसॉल्व है 100 ml सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन जरूर लिखना, वहां सॉल्यूट जरूर लिखना। 6 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है 100 ml सॉल्यूशन में। बस खत्म हो गया बे क्वेश्चन, अब तो तुम अपने आप निकाल लोगे। देखो हाँ हाँ बिल्कुल सही है, मोलैलिटी बराबर क्या, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। देखो भैया ध्यान देना, वेट बोलो बोलो 6 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास बोलो 60, वॉल्यूम बोलो 100 ml, किसमें कन्वर्ट करें, लीटर में, 1000 डिवाइड किया कितना आया 0.1 लीटर, वॉल्यूम आ गया 0.1, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 60 को खा गया, आंसर क्या आ गया 1 मोलर। क्या बात पल्ले पड़ गई 100%। ऐसा ही एक क्वेश्चन निकाल के दिखाओगे, निकालो फिर आगे बढ़ते हैं पांचवें और आखिरी टाइप के क्वेश्चन की ओर, उसके बाद अगली कंसंट्रेशन पे आते हैं। भैया क्या नोट कर लिया है, अगला क्वेश्चन बोल सकते हैं, लिखो फटाक से। कितने लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ छठ पूजा होती है, ये लोग भैया हमें वो, आप लोग क्या वो बनता होगा, वो ठेकुआ बनता होगा, गुड़ वाला, गुड़ वाला वो घर से मंगवा लेना, हमें चाहिए खाना है, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। वो नहीं बनता है जो आटे का गुड़ का प्रसाद होता है, प्रसाद होता है, ठीक है, तो मंगवा लेना, हमें खाना है भैया, ठीक है, हमने देख लिया इतने लोग की शक्ल, हमें चाहिए। हाँ लिखो लिखो भैया, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। देखो ये अंडरस्टूड बातें हैं, बताई नहीं, जिसके यहाँ जो भी बनाया जाता है उसमें जो भी घर पे बने उसको लेके आना है, इतना समझ लो, अंडरस्टूड, बार बार बताना ना पड़े, ठीक है। हम नहीं लाना है, मतलब लाना है, और जैसे जैसे वो आती है ईद और बकरीद आती, तो वो जो सूखी वाली सिवई बनती ना, सूखी वाली, बादाम आदाम पड़ा होता है उसमें, वो चाहिए, ध्यान रखना भाई जी। हाँ लिखो जरा अगला क्वेश्चन लिखो। अब जैसे जैसे दिवाली में, अभी दिवाली निकली, 7-8 बच्चे, तुम लोग तो बेशरम हो, 7-8 बच्चे हमें मिठाई दे गए, हाँ पूरा भर के बे, भर के मिठाई देंगे, मिठाई देंगे और वो देंगे, वो अलग बात है हम झूठ बोल रहे कि कम से कम कोई तो दे आके। हाँ भैया क्वेश्चन लिखिएगा अगला, बोले दिखाओ जरा। हाँ लिखिएगा, फाइंड आउट द मोलेरिटी ऑफ 1.8% फाइंड आउट द मोलेरिटी ऑफ 1.8% वेट बाई वॉल्यूम चल बे क्वार्टर नहीं ग्लूकोज
ग्लूकोज 0.1 पक्का। चलो भैया देख लेते हैं, मोलेरिटी बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। वेट कितना बताओ रखा जाए, बोलो बोलो वेट कितना, 1.8। ठीक है भैया 1.8 मॉलिक्यूलर मास 180 होता है, कितना होता है 180। वॉल्यूम कितना कितना दिया है 100 ml, कितना दिया है 100 ml, रखोगे किस में, लीटर में, तो 0.1 लगा दो, 0.1 पॉइंट से पॉइंट खा गया। ये आया 1/10, 1/10 को लिख सकते हो क्या 0.1, आंसर आ गया 0.1 मोलर। बोलो क्या चौथे वाले रास्ते का क्वेश्चन 100% क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े, ठीक नोट कर लो फटाक से। आखिरी टाइप का क्वेश्चन, पांचवें टाइप का क्वेश्चन मोलेरिटी का, होते तो छह टाइप के हैं लेकिन छठे टाइप का तब बता पाएंगे जब हम तुम्हें मोलेरिटी पढ़ा पाएंगे, क्योंकि छठे और आखिरी टाइप का क्वेश्चन होता है जो मोलेरिटी और मोलेलिटी को आपस में इंटरकनेक्ट करता है, जो मोलेलिटी और मोलेरिटी को आपस में इंटरकनेक्ट करता है वो छठे टाइप का क्वेश्चन सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होता है। तुम्हें चार 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 हर जगह चार चार पंडित इसमें जगह दो, अरे आ गया जाए पूरी खाली है। हाँ भैया ये नोट कर लिया है, हटा सकते हैं इसको, हटा देना इसको, लिखो फटाक से पांचवें टाइप का क्वेश्चन, पांचवें टाइप का क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट द मोलेरिटी ऑफ, फाइंड आउट द मोलेरिटी ऑफ घूसा मार देंगे भक बकलोल, क्या वेट बाय वॉल्यूम बोला हमने, तो फिर कैसे 10 10 10 भक, अबे पहले बोल तो लें दो 98% H2SO4, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 98% H2SO4 इफ इट हैविंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी सुन लेना एक मिनट पिन करो को, डेंसिटी को ही स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला जाता है, क्यों, उसका रीजन कंसंट्रेशन के जस्ट बाद बताएंगे और दिखाएंगे कैसे, ठीक है। अभी इतनी बात दिमाग में कि डेंसिटी को ही स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है, तो लिखिएगा इफ क्या लिखा है, स्पेसिफिक हैविंग द इफ इट हैविंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84 ग्राम पर ml 1.84 ग्राम पर ml, सुन लो, जब परसेंटेज के साथ, पेन रोकना ये हम बता रहे हैं, अगला तुम निकालना, जब परसेंटेज के साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी गिवेन हो, मोलेरिटी का फॉर्मूला सुनना जरा, मोलेरिटी का फॉर्मूला परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सुन लेना ध्यान से, ये तभी लगेगा जब परसेंटेज के साथ क्या गिवेन हो, डेंसिटी, फॉर्मूला क्या, PD10, क्या बे, PD10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, PD10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, PD10 अपॉन मॉलिक्यूलर परसेंटेज डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो भैया निकालते हैं आंसर, खत्म हो गया बे, परसेंटेज कितना 98, सीधा सीधा, डेंसिटी कितनी 1.84 गुणा कितने का 10 का,
मॉलिक्युलर मास कितना होता है? 98 से 98 खा गया, 10 का गुणा किया, बोलो 18.4 मोलर। आंसर आ गया 18.4। खटाक से नोट करो। भैया जब परसेंटेज दिया हो और डेंसिटी दी हो, जब परसेंटेज और डेंसिटी दोनों दिए हो तभी ये फॉर्मूला लगेगा, PD10 अपॉन मॉलिक्युलर मास। पहले टाइप का क्वेश्चन एकदम सिंपल, वेट दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा, निकाल लेंगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन डेंसिटी, सिर्फ और सिर्फ क्या डेंसिटी, तो डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, इस बात का मतलब क्या हुआ 1 ग्राम डिसॉल्व है 1 ml में। सेकंड टाइप का क्वेश्चन निकाल लिया। तीसरे टाइप का क्वेश्चन नंबर ऑफ पार्टिकल से कनेक्ट करेगा और मोलैलिटी निकालने को पूछेगा, निकाल लेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर n इंटू मोल इंटू n नॉट। चौथे टाइप का क्वेश्चन x% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब, कोई बोलेगा नहीं बे, x% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब x क्या है, x% वेट बाई वॉल्यूम लिखा है, इस बात का मतलब क्या है, परसेंटेज मतलब 100 हो गया वॉल्यूम, ठीक, वेट कितना हो गया x हो गया, खत्म बात। x% वेट बाई वॉल्यूम का क्या मतलब, x ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है 100 ml सॉल्यूशन में। ना बताओ अश्विनी भाई ये बताओ कि कहीं लिखा है 4 मोलर, इस बात का मतलब क्या, 4, very good, 4 मोल डिसॉल्व है कितने में, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। दिमाग में फीड देना इतनी बात, पहली कंसंट्रेशन खत्म, मोलैलिटी खत्म। दुनिया का कोई क्वेश्चन कितना भी कठिन क्वेश्चन हो इन 5 रास्तों के बाहर नहीं जाएगा। छठा रास्ता जो है वो तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक क्या ना पढ़ा पाए मोलैलिटी, तो लिखो हेडिंग डालो अगली कंसंट्रेशन, छठा रास्ता छोड़ेंगे कैसे, अभी कराते हैं। हेडिंग डालिएगा मोलैलिटी, सेकेंड कंसंट्रेशन हेडिंग डालिए मोलैलिटी, मोलैलिटी को ही तुतला के बोल दो वही हो गई मोलैलिटी, लिखिएगा मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। जिसकी जवान लड़खड़ाती हो उससे पूछो, बोलो मोलैलिटी को क्या बोलते हैं, तो वो जो बोले वही है मोलैलिटी, बात खत्म। तो हेडिंग डालिएगा मोलैलिटी, MOLAL ITY। हाँ।